Hello guys, welcome to our channel Galavant Medics. I am Dr. Shanti and I am Dr. Pratyush. आज तक जो चल रहा है दुनिया में आप लोगों को तो पता ही है, दुनिया भर में कोविड का हालत क्या चल रहा है। चारों तरफ लॉकडाउन शटडाउन ये सब चल रहा है और हम लोग भी अपने कोविड ड्यूटी में आजकल थोड़ा बिजी रहते हैं, तो उतना ट्रैवल व्लॉगिंग के लिए उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है हम लोगों को। और एक महीने पहले ही मैं खरीदा हूँ लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं मिला ट्रैवल करने का। अभी देखिए सिचुएशन ऐसा है, जब भी मैं अपना कार खरीदा i20 का एस्टा ऑप्शनल मॉडल खरीदा हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब खरीदा उसके एक दो दिन बाद ही यहाँ पे लॉकडाउन शटडाउन सब कुछ शुरू हो गया और कार ऐसे ही बंद पड़ा था। तो मैंने हम लोग ऐसे ही डिसाइड किया आज कॉल पे कि चलो आज कुछ मतलब ऐसे ही वीडियो बनाया जाए, घूमने चलते हैं, एक नया वीडियो आपके लिए बना के लाते हैं, सो दैट आप लोगों को भी थोड़ा अपडेट मिल जाएगा कि इन दिनों हम लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ पे हैं, कैसे जी रहे हैं, ड्यूटी कैसा चल रहा है। बिकॉज प्रोफेशनली वी आर डॉक्टर, सो ऑब्वियसली वी आर ऑलवेज बिजी इन आवर हॉस्पिटल लाइफ। सो उनमें से हम लोग हमेशा ट्राई करते हैं कि कुछ थोड़ी बहुत वक्त निकाल लें ट्रैवलिंग के लिए और रिफ्रेशमेंट के लिए, है कि नहीं। सो उसके हिसाब से आज हम एक सडन प्लान बनाए एक घंटे से पहले। अभी भी कॉल किया प्रत्युष को और वो बोला लेट्स गो भाई। हाँ, चलते हैं। तो लास्ट ईयर हम लोगों का पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ और इस साल हम लोगों का सुपर स्पेशलाइजेशन चल रहा है, तो आप लोगों को तो पता ही है बीइंग डॉक्टर्स और ऊपर से ये कोविड का हालत और उसके बीच कोविड का ड्यूटी। देखो हम ऐसे चैनल क्रिएट किए उसके बाद एक दो वीडियो डाले उसके बाद ही ऐसे हमारा चैनल का कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ, प्रोग्रेस नहीं हो पाया, इसीलिए हम माफी चाहते हैं। लेकिन मजबूरी थी क्योंकि जो प्रोफेशनल ड्यूटी रिलेटेड जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते थे उसको आगे लेते हुए हम लोगों को चलना पड़ा। पर हम ये आपसे वादा करते हैं कि बहुत जल्द हम मिलेंगे एक नया डेस्टिनेशन में। हाँ। ये हम लोगों का वादा है और एक अच्छे से डेस्टिनेशन आपके लिए हम चुन के लाएंगे जहाँ पे आपको बहुत सारा ट्रैवल एक्सपीरियंसेस हम लोग शेयर करेंगे। सो हमारे साथ जरूर बने रहिएगा और ये बहुत दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं ऐसे। हाँ, मतलब आप लोगों को बिलीव भी नहीं होगा हम लोग कितने दिन बाद मिल रहे हैं, एक मतलब मिलके एक वीडियो बना रहे हैं ओनली बिकॉज ऑफ दिस कोविड ड्यूटी एंड ऑल। अभी तो थोड़ा कम हो रहा है और डेफिनेटली इट्स ऑन डिक्रीजिंग ट्रेंड, ज्यादा भी कम हो जाएगा और लॉकडाउन शटडाउन भी जब कम्प्लीटली रिमूव कर दिया जाएगा तो हम लोगों को भी थोड़ा ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे नई जगह एक्सप्लोर करने के लिए, नई जगह हम फिर से एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे और अगेन ट्रैवलिंग को हम बहुत जल्द रिज्यूम करेंगे। तो इस वक्त आप जरूर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को मान के ही चलना, जैसे कि मास्क पहनना हो, हैंड हाइजीन हो या फिर सोशल डिस्टेंसिंग हो, सो दैट हम बहुत जल्द से जल्द कोविड को निपटा सके, है कि नहीं। एग्जैक्टली। तो फिर हम लोग चलते हैं और आप लोग भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मान के चलिए, जैसे कि मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना और हैंड हाइजीन मेंटेन करना, ठीक है। ये तो भी मत सोचना कि आपने वैक्सीनेशन लगवा लिया है तो अभी आप कोविड से पूरा मुक्त हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तब भी आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मेंटेन करना चाहिए। हाँ, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आपको मान के ही चलना होगा एंड कोविड का रिस्क तब भी रहता है। एक बात यह है कि आप अगर एक बार आप वैक्सीन लगा चुके हो
तो आपका कॉम्प्लिकेशन कम हो सकता है, ठीक है। आप माइल्ड टू मॉडरेट कोविड में कोविड को निपटा सकते हो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आपको कोविड नहीं होगा, इन्फेक्शन कभी नहीं होगा, ठीक है। ये गलत फहमी कभी भी मतलब अपने दिमाग में मत रखिए कि हाँ। कोविड नहीं होगा, वैक्सीनेशन के बाद भी कोविड हो सकता है। और एक चीज है, एक बार आपको कोविड हो भी गया उसके बाद भी आप री इन्फेक्टेड हो सकते हैं। अच्छा, सो गाइस, जब तक हम लोग एक न्यू डेस्टिनेशन पे अपना ट्रैवल व्लॉगिंग शुरू करेंगे, तब तक आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सो दैट हमारे वीडियोस आपके पास पहुंच सके।